हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को वन बाय वन करके अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं उनको अपन देखेंगे। तो देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट हो जाता है आपके कंपोजिशन, कि यहां पर मेनली कंटेंस कार्बन, कि मेन जो एटम होता है कंपोजिशन में वो होता है कार्बन। इसके बाद इट में कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, यहां पर कंपाउंड्स के कंपोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। सेकेंड हो जाता है कैटेनेशन, कि कैटेनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा है। तो देखिएगा, यहां पर द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग, क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन और रिंग। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से ऐड हो सकता है और अदर एटम के साथ भी यह लॉन्ग चेन फॉर्म करता है या रिंग बनाता है। इस तरीके से जैसे बेंजीन रिंग की अपन बात करें, साइक्लोकोई कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, इन सब की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी है कि ये अदर कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन एटम के साथ और अदर एटम के साथ ये लॉन्ग चेन और रिंग फॉर्म करने में कैपेबल है। नेक्स्ट देखिएगा, कंडक्शन प्रॉपर्टी में बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और मोस्टली जब कंपाउंड्स की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कंबस्टिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टेबल, दैट इज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, आइसोमेरिज्म, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये विशेषता है, या यूं कह सकते हैं इसके जो ये मॉलिक्यूल हैं, ये कैपेसिटी है इसकी कि आइसोमेरिज्म डिफाइन करें। तो देखिएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर आइसोमेरिज्म की जब भी बात आती है, आइसोमेरिज्म की जब भी बात आएगी, तो अपन कहेंगे कि यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट इसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है, जिसकी वजह से एक नया मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है। जैसे अपन बात करें CH3, CH2OH एंड CH3O CH3, ओके, दो मॉलिक्यूल है, एक अल्कोहल हो गया और एक
ईथर हो गया, बट इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, जैसे अपन बात करें C2H6O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो अपन कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है कि नहीं है, है? ओके? और ये जो प्रॉपर्टी रखते हैं इन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है, क्या बोलेंगे, आइसोमर। और इस कंप्लीट फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, आइसोमेरिज्म। ओके, तो अपन कहेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा सॉल्युबिलिटी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वॉटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, जैसे C6H6 की बात कर लें अपन। ओके, ये क्या है, एक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन, क्या बेंजीन। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं सोल्युबिलिटी की बात करें तो कि ये वाटर में इनसोल्यूबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, ये सोल्यूबल रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा स्टेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा मल्टीपल बॉन्ड्स, और इनमें मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, नेक्स्ट लिंकेज, लिंकेज मिलता है इनमें, देखिएगा कोवलेंट लिंकेज, जैसे कार्बन कार्बन के बीच अपन बात करें इस तरीके की स्ट्रक्चर की, तो इनके बीच जो लिंकेज रहता है वो कौन सा मिल रहा है, कोवलेंट टाइप का, इट मीन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? इस तरीके से, ठीक है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट, जिसे कोवलेंट लिंकेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोवलेंट लिंकेज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा पॉलीमराइजेशन, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन फॉर एग्जांपल एथीन गिव्स पॉलीथीन, ठीक है, एथीन है आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीथीन मिलता है। यो, जैसे N मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो N चेन बन जाती है और ये लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीथीन कहा जाता है। एथीन से ये क्या है, एथीन, एथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स रेट ऑफ रिएक्शन वेरियस कोवलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन आर जनरली शो, ठीक है, कोई भी कोवलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कि वो किस रेट से कंप्लीट हो रही है, और ये मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। ओके, ऑर्डर हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एग्जांपल एस्टर की बात करें तो स्वीट प्लेजेंट स्मेल होती है, और एमीन्स की बात करें तो फिसी स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, इट इज ए पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच लार्जली डिटरमाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप लाइक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, ओके, OH एल्कोहल, काफी सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं यहाँ पर,
होमोलोगस सीरीज, देखिएगा, ए क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय सी एच टू ग्रुप आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज एंड द सीरीज ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड होमोलोगी सीरीज. एग्जाम्पल एल्केन, एल्केन के जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी क्या है? होमोलोगस, ठीक है. और इस सीरीज को क्या कह देते हैं? होमोलोगस सीरीज. इट मीन अपन यू भी बोल सकते हैं होमोलोगस सीरीज को कि एक ऐसी सीरीज जिसको इंक्रीज करते हुए सक्सेसिव मैनर में यदि सी एच टू एड करते हुए अरेंज किया जाए, या फिर अपन यू भी कह सकते हैं मॉलिक्यूलर इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास में इनको अरेंज किया जाए. जैसे मेथेन, इसमें आपने जोड़ दिया सी एच टू तो क्या मिलेगा? सी टू एच सिक्स. फिर इसमें जोड़ दिया आपने सी एच टू तो क्या मिलेगा? सी थ्री एच एट. फिर इसमें सी एच टू जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? सी फोर एच टेन. और फिर इसमें आपने सी एच टू जोड़ दिया तो नेक्स्ट मेंबर जो होगा सी फाइव एच ट्वेल्व पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और ये मेथेन. तो प्रत्येक होमोलोगस मेंबर के बीच या होमोलोगी मेंबर के बीच सी एच टू का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इट मीन अपन कह सकते हैं एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस मिलता है. इसका डिफरेंस मिलता है 14 का, यहां पर डिफरेंस मिलेगा. ओके, तो यहां पर अपन ये बातें कर सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है. तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग या मॉलिक्यूलर जो वेट है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हुए रिअरेंज किया जाए तो एक नया मेंबर मिलता है जो एक दूसरे का क्या है? होमोलोगी है. ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर. देखिएगा एक लॉन्ग चेन है, एक साइक्लिक है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक है एन ब्यूटेन और एक है साइक्लो ब्यूटेन. क्लियर? तो अपन कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स. तो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या मेन डिफरेंस आया? समझ रहे हो क्या मेन डिफरेंस आया? कि एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन है. ओके, जिसमें स्ट्रेट चेन को तो क्या नाम दिया गया? एन ब्यूटेन. और साइक्लिक है उसको साइक्लो ब्यूटेन कह दिया गया. तो देखिएगा इस बेसिस पर एक ओपन चेन कंपाउंड और एक रिंग चेन कंपाउंड बनते हैं. तो एन इज एन ओपन चेन कंपाउंड एंड साइक्लोब्यूटेन इज ए क्लोज चेन कंपाउंड्स. क्लियर? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, ओपन चेन कंपाउंड, नेक्स्ट है आपके क्लोज चेन कंपाउंड्स, एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड या यूं कहें एसाइक्लिक. ये क्या है? एसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड, इनको बोलेंगे साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स. ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्स्ट डिस्कस करेंगे अपन, जिसे आपने क्या कहा है? एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा गया. देखिएगा यहां पर एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों ही क्या हैं? ये एन ब्यूटेन हो गया और ये आइसोब्यूटेन हो गया. ये एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, क्या डिफरेंस मिलेगा इनकी स्ट्रक्चर में? तो आप बता सकते हैं एन ब्यूटेन इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड और आइसोब्यूटेन इज ए ब्रांच चेन कंपाउंड्स. ओके, तो ओपन चेन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. देखिएगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स. क्लोज चेन कंपाउंड्स में अपन बात करते हैं साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स की.
देखिएगा साइक्लिक कंपाउंड हो गए, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है बट इसमें एक एटम डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट बेंजीन और ये हो गया पाइरिडीन। इन दोनों कंपाउंड्स के बीच क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, वो दिख रहा है अपने को कि एक में आपके क्या है कंप्लीट रिंग में कार्बन ऐड है और दूसरे रिंग में कार्बन के अलावा अदर हेट्रो एटम आ गया है जिसे क्या कहा आपने नाइट्रोजन। ओके, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्या आगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कंपाउंड्स विच इंक्लूड वन और मोर हेट्रो एटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एक्सेट्रा इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो अपन कहेंगे कि बेंजीन इज ए होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कि कंप्लीट बेंजीन में क्या है पूरी रिंग में कार्बन प्रेजेंटेड जो रिंग को क्रिएट कर रहा है। और नेक्स्ट अपन बात कह सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे आपके कंपाउंड विच इंक्लूड वन और मोर हेट्रो एटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एक्सेट्रा इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कि कार्बन की रिंग में अदर एटम प्रेजेंट है कौन नाइट्रोजन जो हेट्रो एटम है, इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर हैज नाइट्रोजन एज ए हेट्रो एटम इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर। पाइरिडीन इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और पाइरिडीन जो है ये हो गई आपके पाइरिडीन क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई हुआ है, देखो यहां पर आपके ओपन चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन को एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया, क्लोज चेन को साइक्लिक और रिंग कंपाउंड कहा गया, ठीक है, फिर क्लोज चेन को वापस होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं अपन ने देखा है कि कंप्लीट रिंग कार्बन से बनी हो, किससे बनी हो कार्बन से, तो उसे क्या कहा होमोसाइक्लिक। और यदि हेट्रो एटम आ जाए जैसे पाइरिडीन की बात हो रही थी, यहां बेंजीन की बात है, तो बेंजीन में होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और पाइरिडीन क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इस बेसिस पर कि कार्बन रिंग में ओनली कार्बन है तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे और कार्बन में रिंग में कार्बन के अलावा हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो वहां पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाते हैं। ओके, इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन से मिलकर बनी रिंग है तो इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कह रहे हैं साइक्लो और एरोमेटिक, तो अपन कह सकते हैं एलिपेटिक और एरोमेटिक, साइक्लोहेक्सेन दूसरा है बेंजीन। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है कि डिफरेंट बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स, सोचिए इफ इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली देन द कंपाउंड्स आर नॉन एज साइक्लिक कंपाउंड्स, या यू कहें अपन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्या हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लोहेक्सेन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर एरोमेटिक की बात करें अपन, इफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट वन एरोमेटिक रिंग विच रिसेम्बल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर देन दोज कंपाउंड्स आर नॉन एज एन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड प्रेजेंट है और रिंग में और अल्टरनेट पोजिशन पे है और वो बेंजीन रिंग असेंबल कर रहा हो तो उसको आप क्या कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड
कहेंगे। तो बेंजीन, बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फिर होमोसाइक्लिक को दो पार्ट्स में, एक को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कह दिया गया और दूसरे को एरोमेटिक कंपाउंड कह दिया गया। ठीक है, एलिसाइक्लिक में क्या कहा गया, ये एलिफेटिक टाइप के ही होते हैं। क्या होते हैं? एलिफेटिक टाइप के। ओके, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स पढ़े हैं अपन ने, ठीक है, यहां पर ओपन चेन कंपाउंड्स में उसी टाइप के बिहेवियर शो करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स में कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है या हकल रूल 4n प्लस 2π इलेक्ट्रॉन, 2π इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉलो करते हो तो उसे क्या कहा गया, एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में अपन बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या क्या देख लीजिएगा। एग्जांपल है एनिलीन, फिनॉल, इसको क्या कहा गया, बेंजिनॉइड्स कंपाउंड या बेंजिनॉइड कंपाउंड्स कहा गया। कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिनमें वन बेंजीन रिंग होगी, जैसे सेल्फ बेंजीन हो सकता है, ओके, एनिलीन हो सकता है या फिनोल हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे ट्रोपोन, ट्रोपोलोन, कंटेन एन एरोमेटिक रिंग अदर देन बेंजीन, इनमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं है बट ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इनको कहा गया है नॉन बेंजिनोइड कंपाउंड्स। क्या कहा गया है? नॉन बेंजिनोइड कंपाउंड्स। ओके, फिर अपन बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी दो कैटेगरी बनाई गई है, जैसे एक हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड हो गए, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, ठीक है, इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन हेट्रो एटम इन द रिंग, एक हेट्रो एटम आ गया यहां पर, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रख दिया गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख दिया गया, और इसे आप कह सकते हैं हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या कह सकते हैं? हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, ऐसे अपन दूसरी कैटेगरी देखते हैं यहां पर हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो देखिएगा हेट्रो कंपाउंड्स में आता है नेक्स्ट, जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड है फ्यूरेन। ओके, तो अपन कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन हेट्रो एटम इन द रिंग। ओके, रिंग में एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन आ गया और ये है आपके फ्यूरेन, तो इसे आप क्या कहेंगे, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर आप, जैसे पायरिडीन, पायरिडीन भी क्या है, एक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। ऐसे ही पायरोल, थायोफीन, ये तो हो गया आपके पायरिडीन, पायरिडीन। ओके, और ये हो गया आपके पायरोल, पायरोल, और ये हो गया आपके थायोफीन।
थायोपीन। ओके, तो ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा एक अदर हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है या एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं पिकोलिन, ये बेंजिनॉइड कंपाउंड्स हैं। फिर एजोटिन, ये आपके नॉन बेंजिनॉइड कंपाउंड्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक में भी तो बेंजिनॉइड नॉन बेंजिनॉइड आ रहे हैं, तो यहां पर पिकोलिन जो है वो बेंजिनॉइड हेट्रो एटम हो गया, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और एजोसिन जो है वो नॉन बेंजिनॉइड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर? अब देखिएगा एक साथ इनका जो चार्ट है वो आपके सामने है, देखिएगा तो देखिएगा यहां पर जब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो एक रिव्यू देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का। यहां पर देखिएगा बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओके, ओपन चेन कंपाउंड्स में दो टाइप के कंपाउंड्स लिए गए हैं, जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में आपके आ जाते हैं कार्बन सिंगल बोन कार्बन वाले, कार्बन डबल बोन कार्बन वाले और कार्बन ट्रिपल बोन कार्बन वाले। इनको एल्केन कह देते हैं, एल्केन वाले को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाई किया जाता है, सैचुरेटेड, और मल्टीपल बोन वाले को अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। देखिएगा जिनमें पाई बॉन्ड एब्सेंट है वो सैचुरेटेड, और जिनमें पाई बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इनको क्या कहा गया है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा गया है। जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन दोनों सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इनका कॉमन फॉर्मूला जो होता है एल्केन के लिए हो जाता है CnH2n+2, और एल्कीन के लिए हो जाता है CnH2n, और एल्काइन के लिए हो जाता है CnH2n-2। क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ओके, अब यही जिनमें ब्रांचेज आ जाती हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ओके, लाइक एग्जांपल जैसे एक स्ट्रेट कंपाउंड हो गया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, अब इसमें कोई चेन आ जाए इस तरीके से या इस तरीके से, ओके, यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ओके, तो ये अनसैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया। फिर अपन बात कर लेते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स की। क्लोज चेन कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। जो रिंग बन रही है उसमें यदि कार्बन कार्बन से रिंग कंप्लीट हो रही है तो उसको कहा गया क्या, होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो उसे हेट्रोसाइक्लिक नाम दे दिया गया। होमोसाइक्लिक को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होंगे बट उनके कैरेक्टर ओपन चेन वाले कंपाउंड जैसे एलिफेटिक जैसे ही होते हैं। कैसे होते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड जैसे ही होते हैं, और ये भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें ये सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड और ये अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, जिसे आप क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन, और इसको साइक्लोप्रोपीन। ओके, नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग या यू कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो हैकल रूल फॉलो करते हो। ओके,
ये भी दो टाइप के हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। क्या हो गए? बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, ठीक है, जिनमें बेंजीन रिंग एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, ठीक है, कम से कम एक बेंजीन रिंग असेंबल होनी चाहिए, तो वो बेंजीनोइड हो जाएंगे। और नॉन बेंजीनोइड, इनमें कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। ओके, फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आ रहा है? रिंग में हेट्रो एटम आ रहा है, और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एलिसाइक्लिक में जैसे अपन बात करें यहां पर कि कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और ये हेट्रो एटम ऑक्सीजन आ गया, जैसे ऑक्सेरेन, ऑक्सेरेन, ऑक्सेरेन किसका एग्जांपल है यहां पर? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, और यहां पर अपन बात करें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की, हेट्रोसाइक्लिक में भी दो टाइप से बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड बना दिए गए हैं, ठीक है। तो बेंजीनोइड जैसे पायरिडीन, हेट्रो एटम आ रहा है ना, देखो पायरिडीन में हेट्रो एटम आ जाता है, क्लियर। और नॉन बेंजीनोइड की बात करें तो इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, तो ये एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया है, ठीक है, इसको अच्छे से आप देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। गिव द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स, तो कुछ स्ट्रक्चर्स देंगे, उनको आपको क्लासिफाई करना है। ओके, देखिएगा आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम आइसोब्यूटेन है, तो क्लास क्या हो जाएगी इसकी बताइए, 10 सेकंड मिलेंगे हर एक स्ट्रक्चर के लिए आपको। ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है, ओपन चेन में भी क्या आ गया? ब्रांच चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन है, देखो सॉरी ओपन चेन है, पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में अटैच नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है, क्या है? ओपन चेन कंपाउंड। ओके, और ओपन चेन में भी ब्रांच आ रखी है, देखो ब्रांच आ रही है चेन में, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्रांच। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ये स्ट्रक्चर, इसका नाम है पायरिडीन, तो इसको किस कैटेगरी में या किस क्लास में रखेंगे कंपाउंड को? 10 सेकंड आपके पास। क्लोज चेन कंपाउंड में, और क्लोज चेन कंपाउंड में भी कैसा है ये? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, देखिएगा हेट्रो एरोमेटिक है कि नहीं, और बेंजीनोइड कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, बेंजीन असेंबल कर रहा है। नेप्थलीन, इसका नाम है नेप्थलीन, क्लास बताइए, इसका आपको क्लास बताना है। क्लोज चेन कंपाउंड्स, क्या है ये? क्लोज चेन कंपाउंड। और क्या कैटेगरी में आ सकता है ये? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, बेंजीनोइड है कि नॉन बेंजीनोइड? एरोमेटिक है, कैसा है? बेंजीनोइड है कि नहीं? क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक में बेंजीन, दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और ये क्या है? नेप्थलीन है। ओके, ट्रोपोन क्लासिफाई करिएगा, क्लोज चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन में है, क्लोज चेन में भी कौन सा है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, रिंग में, पूरी रिंग में कार्बन प्रेजेंट है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और नॉन बेंजीनोइड का पार्ट है, इसका भाग है ये नॉन बेंजीनोइड, क्लियर, क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है इसमें, देखो कहीं पर भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये नॉन बेंजीनोइड। नेक्स्ट देखिएगा एजोसिन, इसको क्या कहा गया? एजोसिन कहा गया,
क्लास बताइए, क्लोज चेन कंपाउंड है, क्या है क्लोज चेन कंपाउंड। नेक्स्ट हेट्रो एटोमिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या हो जाएगा हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या है ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसकी रिंग में कार्बन के अलावा अदर हेट्रो एटम परसेंट है, नॉन बेंजीनोइड है, बेंजीन नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताइए, ये पाइपरिडीन, इसका नाम क्या है पाइपरिडीन, ये कौन सी कैटेगरी में रखा गया है या कौन सी क्लास में क्लासिफाई किया गया है वो आपको बताना है। देखिएगा क्लोज चेन कंपाउंड है, क्या है क्लोज चेन कंपाउंड है, क्लोज चेन में हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है नाइट्रोजन हेट्रो एटम आ जाने की वजह से ये एलिसाइक्लिक से ये क्या बन जाता है हेट्रो एलिसाइक्लिक बन जाता है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, ये टोलुइन है, इसका नाम क्या है टोलुइन। देखिएगा यहां पर क्लोज चेन कंपाउंड, क्या है ये क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि पूरी रिंग में कार्बन प्रेजेंट है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिसिटी शो होगी, और बेंजीनोइड है, क्या है बेंजीनोइड है, क्योंकि कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है यहां। इसे कहते हैं फ्यूरेन, ये भी क्या है क्लोज चेन कंपाउंड है। नेक्स्ट हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिएगा होमोलोगस सीरीज, अब अपन बात कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज क्या है। वैसे कैरेक्टरिस्टिक में भी अपन ने होमोलोगस सीरीज को देखा है, यहां पर अपन इसकी डेफिनेशन कंप्लीट देखते हैं। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइलिन ग्रुप। ओके एग्जांपल ए सीरीज ऑफ एल्केन मेथेन एथेन प्रोपेन। ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, अब होमोलोगस सीरीज के जो कैरेक्टर है वो क्या है, या फिर इससे पहले अपन थोड़ा सा इसको और डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर होमोलोगस सीरीज क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि इसको सक्सेसिव मैनर में अरेंज किया जाए। जैसे मैं बात करूं मेथेन की, मेथेन में CH2 ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा CH3 CH3, और फिर CH2 मतलब मिथाइलिन ग्रुप ऐड किया जाए तो प्रोपेन बन जाता है, फिर नेक्स्ट CH2 ऐड किया जाए तो ब्यूटेन बन जाता है। ओके तो ऐसे सक्सेसिव मैनर में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रिअरेंज किया जाए तो एक नया मेंबर मिलता है जिसे होमोलेगी कहेंगे। ओके और इन दोनों मेंबर के बीच किसका डिफरेंस रहता है CH2 का डिफरेंस, मतलब मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। ओके और एक नया मेंबर आ जाता है। यहां पर इनके कॉमन फॉर्मूला सेम होते हैं, जैसे ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, तो अपन कह सकते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन सबके लिए CnH2n+2 काम में लिया जाता है, हाँ या ना। ओके तो एक ये सीरीज बन जाती है, इस सीरीज को ही क्या कहा जाता है होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जैसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज की, तो फर्स्ट देखिएगा इसमें होमोलोगस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एक होमोलोगस सीरीज है, जैसे एल्केन के सभी मेंबर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है, वो सेम रहता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा
होमोलोगस हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, और होमोलोगस क्या होंगे, क्या रखते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, सिंस द सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम दियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप देन डिफर इन मॉलिक्यूलर वेट बाय 14 यूनिट्स. ओके, तो जो भी दो मेंबर हैं, होमोलोगी मेंबर हैं, उन दोनों के बीच CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहेगा या फिर मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट का डिफरेंट रहता है, यहां पे डिफरेंस मिलेगा. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर बाय सिमिलर केमिकल मेथड या सिंपल केमिकल प्रोसेस. ओके, तो अपन कह सकते हैं कि होमोलोगस जो मेंबर होंगे उनको आप सिंपल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, होमोलोगस शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे, शो करेंगे. जैसे एल्केन, एल्केन के सभी मेंबर क्या करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखेंगे, बट यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. तो अपन कह सकते हैं होमोलोगस शो ग्रेडियंट, ये ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी. ओके, तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज रहेंगी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर जो मास है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, चेंज होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है. क्या रहती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहती है, तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर चेंज रहेंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे यहां. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंटेंस हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो अपन कहेंगे आंसर में कार्बन. ओके, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम ग्रुप मिथाइल, मेथीन, मिथाइलीन, नाइट्रो, तो यहां पर CH2 ग्रुप में डिफर होते हैं. ओके, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर वेट बाय यूनिट, और होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर होते हैं, सक्सेसिव मेंबर के बीच कितने मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है, देखिएगा 12, 14, 8, 18, तो अपन कहेंगे यहां आंसर आ जाएगा आपके 14 यूनिट, कितना, 14 यूनिट. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड होमोलॉगी ऑफ मेथेन इज, तो मेथेन का जो थर्ड मेंबर है वो क्या होगा, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आंसर हो जाएगा ब्यूटेन. तो देखिएगा कैसे, फर्स्ट मेंबर तो मेथेन आ गया, अब फिर सेकेंड, फिर और फिर आ जाएगा आपके ब्यूटेन. तो देखो यहां से मेथेन, मेथेन का पूछा है क्योंकि कन्वर्ट हो गया, तो ये फर्स्ट मेथेन का, फर्स्ट मेथेन का सेकेंड और मेथेन का थर्ड. क्लियर, एथेन जो है वो तो मेथेन का फर्स्ट होमोलॉगी हो गया, सेकेंड जो है वो प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन, और ब्यूटेन जो है वो इसका थर्ड हो गया. ओके, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ओके, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्या है, पोलर, नॉन पोलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. देखिएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो यहां पर कहा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन, तो अपन कहेंगे वाटर में तो ये सोल्यूबल होते नहीं है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होंगे, क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं.
क्लियर। तो यहां पर क्या बात आ जाती है, ऑर्गेनिक वाटर। एक तो वाटर की बात करें, वाटर क्या होता है, हमेशा पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है, जैसे C6H6 की बात करें, तो ये होता है आपके नॉन पोलर, नॉन पोलर। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो आंसर आ जाएगा यहां पर नॉन पोलर। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस सेशन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आपका जो एक काम रह जाता है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं या अपने रिलेटिव हैं जो नीट की, जेई की और अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप ये शेयर करें। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।